नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तरह की योजना चला रखी हैं जिसका फ़ायदा उठाकर आज लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। स्वास्थ्य को लेकर पीएम मोदी ने जहां आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, तो वहीं गर्भवती महिलाओं को पहली बार मां बनने पर उन्हें 6000 रुपये सहायता राशि उनके खाते में जमा कर रही है। मोदी सरकार प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 6000 रुपये गर्भवती महिलाओं के खाते में जमा हो जाता है। इसका फ़ायदा लेने के लिए करना होगा ये काम। मोदी सरकार ने नवजात बच्चे से लेकर युवा बुजुर्ग महिला और बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 19 साल या उससे ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 2 बच्चे तक लाभ प्राप्त होता है। इस योजना के तहत गर्भवती महिला को 3 किस्तों में सहायता राशि प्रदान की जाती है। पहली किस्त जब आप आंगनवाड़ी केंद्र से अपनी प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड करवाते हैं तब मिलता है। पहली किस्त में गर्भवती महिला को 1000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। दूसरी किस्त तब मिलती है जब वह डिलीवरी से पहले गर्भवती होने के 6 महीने बाद लेबोरेटरी में जांच करवाने जाती है, तब गर्भवती महिला को प्रदान की जाती है। दूसरी किस्त में गर्भवती महिला को 2000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तीसरी किस्त आपको प्रसूति के बाद प्रदान की जाती है, पर वह आपको तब प्रदान की जाएगी जब आपके बच्चे को पहला टीकाकरण जैसे कि BCG, OPV, DPT या हेपेटाइटिस बी के बाद प्राप्त होगा। उसमें आपको 3000 रुपये दिए जाएंगे। धन्यवाद।